रूपदेव ही तत्प्रधानत्वत्, क्योंकि रूप रहित निर्विषय लक्षणों की भांति ही उन सगुण रूप स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि ये ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। व्याख्या: जिस प्रकार उस पर ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार बताने वाले वेदवाक्य मुख्य है, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण साकार सर्व दिव्य गुण संपन्न बताने वाले वेद वाक्य भी प्रधान है। उनमें से किसी एक को मुख्य और दूसरे को गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही प्रकरण में और एक ही मंत्र में एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे दोनों लक्षणों वाला बताया गया है। अतएव रूप रहित निर्विशेषण निर्विशेष लक्षणों की भांति ही सगुण साकार रूप भी रूप की भी प्रधानता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर दोनों लक्षणों वाला है। संबंध: हम दूसरे दृष्टांत से उसी बात को सिद्ध करते हैं। तथा प्रकाश की भांति दोनों में से कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादन वेदवाक्य व्यर्थ नहीं है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। व्याख्या: जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सभी ज्योतियों के दो रूप होते हैं, एक प्रकट और दूसरा अप्रकट, उस दोनों में से कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक है। उसी प्रकार उस ब्रह्म के भी दोनों रूप सार्थक है, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से ही उसकी उपासना आदि की सार्थकता होगी। दोनों में से किसी एक को प्रधान और दूसरे को गौण या अनावश्यक मान लेने लेंगे तो उसकी सार्थकता नहीं होगी। श्रुति में उसके दोनों लक्षणों का वर्णन है। श्रुति के वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि वे स्वतः प्रमाण है। अतः उन वेद वाक्यों की सार्थकता के लिए ही ब्रह्म को सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त मानना ही उचित है। संबंध: अब श्रुति में प्रतीत होने वाले विरोध का दो सूत्रों द्वारा समाधान किया जाता है। श्रुति उस परमात्मा को केवल सत्य ज्ञान और अनंत मात्र ही बताते हैं, वहाँ सगुणवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है। तैतरीय श्रुति में यथार्थ ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, इस प्रकार ब्रह्म को केवल ज्ञान स्वरूप ही बताया है, सत्य संकल्पत्व आदि गुणों वाला नहीं बताया, अतः उसको दोनों लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। संबंध: ऐसी बात नहीं है, किंतु